जवाहर कला केंद्र में सोमवार शाम पहली बार एक रेप पीड़िता महिला की कहानी उसी के सामने सुनाई गई। दरअसल सभागार में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज व अन्य संस्थाओं की ओर से बारवा हेमलता प्रभु स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें फौजिया दस्ता नगो ने दास्तान ए भंवरी प्रस्तुत किया। मुंबई की नाटक निर्देशक नूतन राज ने पूरी कहानी सुनाई जो लेखक अशोक लाल ने लिखी है। दास्तान ए भंवरी में बताया, जयपुर जिले के भटेरी गांव की महिला भंवरी जो एक बच्ची के विवाह का विरोध करती है, इसके विरोध में दबंग उसका रेप करते हैं। इस केस में निचली अदालत उन 5 आरोपियों को बरी कर देती है। साथ ही बताया, पिछले कई सालों से भंवरी को न्याय नहीं मिला। 5 में से 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है, एक अभी भी जिंदा है। पीड़ा में तपकर भंवरी की उम्र भाप बन गई, वही भाप बादल बनकर बरस रहा है जिसे न्याय की आस में वह रोज गिन रही है। इतने सालों में भंवरी ने राजस्थान समेत देश की तारीख और नजरिया बदल दिया, लेकिन न्याय की तारीख नहीं आई। भंवरी प्रकरण के बाद ही 1997 में कार्यस्थल पर यौन हिंसा की रोकथाम व शिकायत निवारण को लेकर गाइडलाइन बनी,